गाइस मुझे मिल चुकी है हाइस, इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ मैं आज। देखिए गाइस लाल मिट्टी, बिल्कुल कड़क लाल मिट्टी है ये, देखिए पहाड़ों पे। गाइस लाल मिट्टी, सारी जगह लाल मिट्टी है यहाँ पे, देखिए लाल मिट्टी, पूरी लाल मिट्टी है, जहाँ तहाँ लाल मिट्टी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज ट्रैफुटर। आज देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी नेपाल में, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इतनी बड़ी नदी है। बाकी अब देख सकते हैं आगे जाके तो दिखा नहीं सकता, चलो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, कितनी विशाल नदी है ये, तीन नदियों का संगम है तो त्रिवेणी कहलाता है ये। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, और यहाँ पे मंदिर है, देखिए यहाँ काफ़ी दूर दूर तक मंदिर है, देखिए त्रिवेणी नदी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ है, त्रिवेणी नेपाल में, त्रिवेणी में हूँ इस टाइम। त्रिवेणी बोले तो तीर्थ स्थान, जैसे अपना भागीरथी अलकनंदा होके गंगा मिलती है ना रुद्रप्रयाग में, जैसे देवप्रयाग में, तो वैसे ही त्रिवेणी है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। मैं अंदर की साइड आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप,
सामने नदी है बहुत बड़ी, और यहाँ बंदर बंदर भी है। तो मंदिर के दर्शन करने आया हूँ आज मैं। इतनी बड़ी नदी, विशाल नदी। तो पुष्पा देखिए यहाँ पे इतनी भीड़, यहाँ पे और लोग भी आ रखे हैं। थोड़ा सा ये नागा बागावा की समाधि, ये हमारा यहाँ पे आगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे बना रखा हमने पूजा का यज्ञ बना चुके हैं। गाइस मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे पूजा चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा प्राचीन है मंदिर। देखिए यहाँ पे कंडीशन भी थोड़ी सी वैसी हो रखी है, और ये इसका अर्थ शायद से वो है कि भाई नदी से निकले हुए जलपरी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नदी है जलपरी का दिखा रहे हैं ये। गाइस आप देख सकते हैं इतनी बड़ी नदी, त्रिवेणी है ये, तीन नदियों का संगम। देखिए यहाँ पे नहाने का भी है। अच्छा ये घाट है यहाँ पे,
Wow, this is very beautiful place. Very good. Guys, देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया है मौसम. पहाड़ है सामने. ये नेपाल का झंडा. तो देख सकते हैं यहाँ पे पूजा हो रही है बहुत सारी जगह. तो देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया है. भीड़ हुई है पूरी. तो देखिए यहाँ पे खाना वाना बनाया हुआ है. तो आपने देखा यहाँ पे कितना बढ़िया मंदिर था. पिंड
तो गाइस अगर आप देख सकते हैं ना यहाँ पे जो दूने हैं सब के सब नेचुरल है, मतलब पत्ते के हैं, पत्ते के, ये देखिए पत्ते के दोने। छोए हो घूमने जाल फूल फूल हाथ में लिये लावा लिये ओम तो बत्ती बाल चुके हैं, तो ये देखिए। तो गाइस मुझे अभी अभी पता चला है
इस यहाँ वाली साइड में नेपाल है और सामने वो उसके पार इंडिया है। तो देख रहे हैं आप, वो इंडिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों में बैंक, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैंक। ये देखिए नज़ारा कैसा है, ये रहा बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बढ़िया होटल है, होटल ड्रीम ग्रीनलैंड। तो ये ऐसा एरिया कुछ, मैं बैंक की साइड से आया था तो बैंक उधर है। तो यहाँ पे मैंने एक ना मधुमक्खी के छत्ते देखे, देखो गाइस कितने ज़्यादा है मधुमक्खी के छत्ते एक ही पेड़ पे, 10-12 लगभग। गाइस आपको दिखा रहा हूँ इंडिया का बॉर्डर, ये सामने इंडिया का बॉर्डर है, बिहार पड़ता है, बिहार त्रिवेणी मतलब बॉर्डर, त्रिवेणी बॉर्डर पड़ता है बिहार। और ये इस साइड जहाँ मैं चल रहा हूँ ये नेपाल है, ये नेपाल का एरिया है, उस पार इंडिया, त्रिवेणी नदी। गाइस दिस इज ब्रिज, दिस इज मतलब डैम बोल सकते हैं इसको। गाइस दिस इज पुल जो आपको दिखाया था, और आपको मैंने बताया भी था ये बॉर्डर लगता है इंडिया और नेपाल का। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं बैरिकेड लगा रखा था बॉर्डर पे, ये देखो। और ये इंडिया की गाड़ी है, बिहार, बिहार बिहार का बॉर्डर पड़ रहा है गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था बिहार का बॉर्डर। तो ये देखिए डैम, तो गाइस बड़ी ही मेहनत से बनाया गया ये डैम है। ये देखो रस्सी, ये वाली भी रस्सी है, बहुत ही ज़्यादा गहराई होगी गाइस इसकी। तो गाइस आपने देखा उस पर, ये देखिए ये डैम के बाद आ रहा है ये, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये देखिए इतना बड़ा डैम, शायद से इसमें 12 बैरिकेड हैं जो कहते हैं ना ब्लॉकेज या कुछ ऐसा, जो मतलब पानी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पानी की स्पीड कम करने के लिए। तो बैरिकेड 12 हैं इसमें, देखा आपने। मैं अभी वहाँ पे जाके आया था तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्यालय वगैरह है। तो गाइस मैंने आपको दिखाया एक तीर्थ स्थल जो कि बहुत ही बढ़िया था। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू गाइज़।